क्या स्थिति, क्या स्टेटस है हेल्थ? हाँ, मैं डॉक्टर सुशील अपोलो हॉस्पिटल से आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। और जहाँ तक राहुल की बात है, वो पहले से काफ़ी बेहतर है। अभी हमारा सारा तवज्जो इस बात पर है कि वो उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिले, उसको अच्छे विटामिन दिए जा रहे हैं ताकि उसका जो वुंड है, जो घाव है, वो जल्दी हील हो सके। उसी हिसाब से उसके खाने में हाइपोटिन डाइट और ताज़े फल वगैरह दे दिए जा रहे हैं और उसको वो खा भी रहा है। और अब वो मुस्कुराना भी शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब अंदर से भी वो ठीक हो रहा है। और बताएं, जैसे कि टेस्ट टेस्ट जो है इसको रोज़ नहीं किया जाता है। यदि बच्चे का कंडीशन ठीक है और हम लोग को बाहरी तौर पर देखने से और एग्जामिनेशन करने से या लगता है कि सब ठीक चल रहा है, तो रोज़ रोज़ टेस्ट नहीं कराया जाता है। जैसा कि उसने बताया था कि प्लान यही है कि 7 दिन का ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा, तो उस दिन हम लोग कराएंगे ट्रीटमेंट, उसका टेस्ट। और उसके इन्फेक्शन के मार्कर्स यदि उस समय नॉर्मल आ जाएंगे तब तो वो छुट्टी चला जाएगा। और बाई चांस यदि उसमें थोड़े से इन्फेक्शन बच गए, तो उसमें कितनी इन्फेक्शन की मात्रा है उसके हिसाब से हम लोग 1-2 दिन उसको एक्स्ट्रा रोक सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है, उसका धड़कन भी जो पहले तेज चल रहा था वो भी अब सेटल हो रहा है, और उसका जो दैनिक क्रिया है वो भी बढ़िया चल रहा है। मतलब वो बराबर से सो भी रहा है, बराबर से आँख खोल कर देख रहा है, समय आने पर हंसता भी है, रिएक्ट भी करता है, और उसका यूरिन मोशन भी ठीक हो रहा है। तो ओवरऑल वो बिल्कुल रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद तो ऐसा उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि 7 दिन में शायद ठीक ही हो जाती कुछ पूरी तरह से। लेकिन असली बात हम लोग को उस दिन के रिपोर्ट से पता चल रही है। हाँ, डेफिनेटली स्किन पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है, तो उसके लिए दवाइयाँ तो चल ही रही हैं, साथ में उसी तरह का भोजन भी दिया जा रहा है जो कि हीलिंग में मदद करता है। ठीक।